कटिहार में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम पर बोला हमला। कहा 2014 और 19 में जो वादे किए हैं उसे पूरा नहीं किया। तो हम लोगों ने बिहार सरकार में 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे रही है दिया। हम लोगों ने मानदेय को दुगुना किया, चाहे तालमी मरकज हो, आंगनबाड़ी हो, चाहे टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराई। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, न्यूनतम पॉलिसी बनाई। देश भर में बड़े निवेशकों से बिहार सरकार ने इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का एमओयू साइन कराया ताकि बिहार का तरक्की हो सके, मेरा काम हो सके। लेकिन आज क्या हालात बने हुए हैं पूरे देश में, केवल झगड़ा करा करके हिंदू मुसलमान करा करके लोग वोट देने तैयार हैं। भी है उनका हम वोट देंगे पढ़ाई के नाम पे, हम वोट देंगे कमाई के नाम पे, हम वोट देंगे सिंचाई के नाम पे। ये होना चाहिए मुद्दा, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है। आप लोगों को दवाई मिले ये मुद्दा है, आप लोगों की सुनवाई हो, उस काम पे कार्रवाई हो, ऐसी सरकार आप लोग चाहते हैं। ये काम हम लोगों को करना है। राहुल गांधी जी लाल नौकरियां हर साल देंगे, मोदी जी ने बोला था काला धन लाएंगे, 15 लाख जमा करवाएंगे सबके खाते में, 14 में ये बोले वो भूल गए, 19 में क्या बोले कि किसानों का आय दुगुना कर देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे। ये मोदी जी ने 19 में कहा, मेक इन इंडिया क्या क्या नहीं कहा। 19 का भी नहीं पूरा हुआ ना 14 का पूरा हुआ। मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि अब 24 के लिए कुछ बचा ही नहीं, बोलने के कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो मोदी जी जानते हैं बहुत होशियारी से, और ये बात कर रहे हैं 24 में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर इस्लाम सनातनी, ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये काम है कोई प्रधानमंत्री जी का? मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, हम लोगों को अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, किसानों का आय दुगुना होना चाहिए, बिहार से पलायन रुकना चाहिए, कटिहार में निवेश आना चाहिए, कारखाने लगने चाहिए। ये है असल मुद्दा, लेकिन इनकी भाजपा की कोई उपलब्धि नहीं। एनडीए के सांसद जीत के गए, क्या किया आपके लिए, क्या काम किया 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने? आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके ब्लॉक के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, हम पूछना चाहते हैं। क्या दिया प्रधानमंत्री ने? कुछ नहीं दिया, केवल जुमलों का पहाड़ दिया है जिसको आप लोगों को ढालने का काम कर रहा है, गिराने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री बोला रहे अभी तो नाश्ता दिया है, अभी पूरा थाली का खाना बाकी है। इनके नाश्ते में ना तो नौकरी है, ना तो शिक्षा है, ना तो चिकित्सा है। इनके नाश्ते में कुछ नहीं है, खाली थाली दे दिए नाश्ते का, वो 10 साल लगा दिए। पूरा खाना देंगे तो 100 साल लगा देंगे रे भाई, 100 साल ना हम जिंदा रहेंगे ना आप जिंदा रहिएगा। यही मोदी जी बोल रहे, बताओ अब तक तो कुछ नहीं किया, यानी नाश्ता में तो कुछ नहीं मिला, ना आपको रोज नौकरी मिला, ना गरीबी खत्म हुई, ना महंगाई खत्म हुई, ना आपके गांव में खाने लगे, ना निवेश हुआ,
नाश्ता आने में 10 साल, तो पूरा खाना नहीं, ये पूरा खाना का थाली नहीं देंगे मोदी जी। कुछ दिन बाद अगर आ गए अगर गलती से तो हाथ पर कटोरा दे देंगे। ये है असली इशू, तो ज्यादा समय नहीं लेना है। आप लोग होशियार लोग, एकजुट होना, एकजुट होकर के मतदान करना। अनुभवी है तारिक साहब, हम लोगों से पुराना रिश्ता रहा, तो छोटे से देखते रहे, तो हमें पूरा विश्वास है जो सेवा ही आप लोगों का करते थे। आजकल वाला सांसद कहाँ करता है, दिखता भी नहीं, नजर भी नहीं आती, बहुत लोग तो चेहरा भी नहीं पहचानते हो कि भाई दिखने में कैसा है। तो इसलिए एक एक वोट जो है हाथ के निशान पर बटन दबा करके तारिक साहब को जिताइए। बताइए जिताइए या फिर जिताइए, विजय तुम्हारा पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद कटिहार की जनता, जिंदाबाद तेजस्वी।